प्रिय सांबादिक बंधुगण, मोर दुईजन प्रवक्ता बंधु सज्जन भाई एवं गोलक भाई, आपण मैने समस्ते अवगत छंती जे मान्यवर भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक लक्ष्य रखिकरी भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा रे आगामी दिन में यशस्वी करबा पाई आगे चली छंती एवं सही परिप्रेक्षी रे पंचम थर पाई तांकर कार्यकाल भितरे ओडिशा आगमन करुछंती आसंता सेप्टेम्बर 6, 7 एवं 8 एवं ए तीन दिन धरिकरी तांकर गस्त को अति उत्कंठार सह लक्ष लक्ष कार्यकर्ता अपेक्षा करिछंती। 6 तारिख दिन दिन एकटा बेले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचिबे, तांकु भव्य संवर्धनार सह राज्य अतिथि गृह को पाछुटी नेबार कार्यक्रम रहिछि। तीन दिन धरी दलर विभिन्न स्तर रे कार्यकर्ता मानक सहित सांगठनिक ढांचा रे ग्रुप वाइज संगठन को कोभली भाव में चल चंचल सक्रिय करा जाई पारे से विषय विचार विमर्श चर्चा आलोचना करिवे। ओडिशार भारतीय जनता पार्टी रो हजारे मंडल सांगठनिक मंडल ग्रामीण एवं सहर मिसेकरी 36टा सांगठनिक जिल्लार समस्त मोर्चा समस्त सेल समस्त डिपार्टमेंट एवं आमर 9टा प्रकल्प तथा जिला स्तरीय राज्य स्तरीय वरिष्ठ नेतृवर्ग दलर सांगठनिक स्थिति एवं ओडिशार सांप्रतिक राजनैतिक परिस्थिति उपरे विचार विमर्श करी आगामी दिन पई कार्य खर्चड़ा प्रस्तुत करिवे। तत्संगे संगे विगत दिन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षंकर जेतेबेले जुलाई मासरे गस्त होता से समय रे जाजपुर एवं ब्रह्मपुर ठारे तथा भुवनेश्वर ठारे विभिन्न प्रसंग रे आपण मानकर संगे चर्चा आलोचना करथिले एवं कार्यकर्ता को किछि मोर बूथ सबुठ मजबूत रो कार्यक्रम को आगे नबा पई एवं तृणमूल स्तर रे संगठन को सुदृढ़ करबा पई आह्वान देथिले। तार मध्य एही गस्त समय रे समीक्षा करिवे मिशन 120 प्राप्त करिबा पई ए लक्ष्य को साधन करिबा पई भारतीय जनता पार्टी रो कार्यकर्ता कोभली संकल्प रु सिद्धि पर्यंत आगामी 19 सुद्धा पार्टी संगठन को पहुंचाई पार से विषय अति गुरुत्वपूर्ण ए त्रिदिवसीय तांकर यात्रा एही परिप्रेक्ष्य एही कार्यक्रम समय रे समाज रो विभिन्न वर्गर विभिन्न क्षेत्र रो अनेक प्रतिष्ठित आपणकर कला क्षेत्र रे हो सामाजिक क्षेत्र रे हो सांस्कृतिक क्षेत्र रे हो आर्थिक क्षेत्र रे हो चिकित्सा क्षेत्र रे हो समाज रे कोनोसी ना कोनोसी क्षेत्र रे सुनाम अर्जन करितिबा अनेक वरिष्ठ सुनाम धन्य नागरिक बंधु मानकर संगरे मध्य तांकर चर्चा आलोचना विचार विमर्श रो कार्यक्रम रखा जाइछि एवं शेषरे 8 तारिख दिन भारतीय जनता पार्टी रो ग्रामांचल रे मंडल स्तर रे तृणमूल स्तर रे काम करूथुबा निर्धारित कैडर 1 लक्ष कैडर कार्यकर्तांकु नेकरी मान्यवर अमित शाहजींकर उद्बोधन मार्गदर्शन रो कार्यक्रम रहबो। आगामी दिन रे आमर लक्ष्य हासिल करबारे कोभली प्रकार कार्यकर्तार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि एवं से गुरुत्वपूर्ण भूमिका को से केमती महत्वपूर्ण ढंग रे संपादित करिवो सेथि पई एवं
ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିକରି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏଭଳି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କ୍ୟାଡରକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଇଭିନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବି ଏତେ ବଡ଼ ସମାବେଶ ଅଧିବେଶନ କେବେ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମହାଅଧିବେଶନ ନାଁ ଦେଇଛୁ। ଆର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମହାଅଧିବେଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ସହ ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିକରି ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ବୈଠକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖାହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, କିଛି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି, କିଛି ପାଲ୍ ହାଇଟ୍ସରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେଫେୟାର୍ରେ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତୃତୀୟ ଦିନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଂଗଠନିକ ଅନେକ ବୈଠକ। ଆମର 100,000 କର୍ମୀ ଯୋଗଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ 1,000 ମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ 100 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।